शक की बीवी अपनी तस्वीर न पहचान सकी, मोबाइल फोन में तस्वीर देखकर शौहर पर हमला कर दिया। मेक्सिको में एक अजीब और गरीब वाकया पेश आया जिसमें शक की बीवी ने शौहर के फोन में कम उम्र लड़की की तस्वीर देखकर शौहर पर चाकू से हमला कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि यह तस्वीर खुद उसी खातून की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ हफ्ते कबल मेक्सिको के शहरी की जानिब से हंगामी नंबर पर पड़ोस में होने वाले घरेलू झगड़े की इत्तला दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक दरमियानी उम्र की खातून अपने शोहर के मोबाइल में कम उम्र लड़की की तस्वीर देखकर इश्तियाल में आ गई और खातून ने शोहर को वजाहत का मौका दिए बगैर चाकू से हमला कर दिया। शायर अहले बैत डॉक्टर रेहान आज़मी इंतकाल कर गए। डॉक्टर रेहान आज़मी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी जिसके बायस उन्हें निजी अस्पताल मुंतकल किया गया था। शायर अहले बैत डॉक्टर रेहान आज़मी 7 जुलाई 1958 को कराची में पैदा हुए। उन्होंने अनगिनत सोज़ो सलाम और नोहे तहरीर किए। सब इल्ज़ाम लग चुके हैं, सिर्फ यह कहना बाकी है कि कोरोना भी नैब ने फैलाया। चेयरमैन नैब ने कहा है कि वो लोग जिसे आप आंख उठाकर देख नहीं सकते थे और उन्हें बुलाने का ख्वाब में सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन नैब ने उन्हें बुलाया। कराची टेस्ट में पाकिस्तानी स्पिनर्स का जादू चल गया और जनूबी अफ्रीकन टीम अपनी पहली इनिंग में 220 रन पर ऑल आउट हो गई। यासिर शाह नुमान अली ने मजमूई तौर पर 5 विकेटें हासिल की हैं। आईपीएल की वजह से आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की तारीख में तब्दीली की गई है। टेस्ट चैंपियनशिप को पहले 10 जून से लंदन के तारीखी ग्राउंड लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना था, जबकि आईपीएल का फाइनल भी उसी तारीख के आसपास होने का इम्कान है, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल अब 18 जून से खेला जाएगा।